Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Bismillahirrahmanirrahim. I am Ibrahim Gul. I welcome you to Online Excellence Platform. Our today's lecture is about pinyin. The very first question, what is pinyin? This is important to understand. मैं आपको बताता चलूं कि चाइनीज टेक्स्ट को पढ़ने के लिए एक रोमनाइज्ड स्पेलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है. ये इवन चाइनीज स्टूडेंट्स यानी कि जो चाइना के स्टूडेंट हैं वो भी पिनिन के थ्रू चाइनीज सीखते हैं. तो आज के लेक्चर में हम पिनिन पे काम करेंगे. आपको स्क्रीन पे जो टेक्स्ट नजर आ रही है ये चाइनीज टेक्स्ट है. एंड ऑफकोर्स अ न्यू लर्नर कैन नॉट रीड दिस. टू बी एबल टू रीड दिस चाइनीज टेक्स्ट वी नीड अ साइंटिफिक सिस्टम कॉल्ड पिनिन. अब ये आप पढ़ सकते हैं. आपको एक और मिसाल देते चलूं, आपको टेक्स्ट स्क्रीन पे 1 से लेकर 5 तक चाइनीज की गिनती नजर आ रही है. अब इसे पढ़ेंगे कैसे, तो ये देखें, ई अ सान स उ. सो ये सिस्टम आज का हमारा टारगेट है. इसे पिनिन कहा जाता है. पिनिन में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, इनिशियल्स, फाइनल्स एंड टोन मार्क्स. And every one of it is very important in its own place. So, to begin with, initials. दोबारा मैं कहता चलूं, आप Chinese text देख सकते हैं. इसे हम ये है नी, see नी नी. अब इस नी के अंदर हम देखेंगे कि कितनी चीजें हैं. नी आपको 3 चीजें वाजह तौर पर नजर आ रही हैं. The first part of it जो कि अंग्रेजी के n की तरह लिखा हुआ है, ये particular sound है जिसे न न प्रोनाउंस किया जाता है और इसे हम इनिशियल्स कहेंगे. यानी कि जो साउंड शुरू में आए दैट इज इनिशियल, जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ड आए उसे हम फाइनल कहेंगे. ये जो फाइनल साउंड है यहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन है ई ई, और जो टॉप पे आपको ये मार्क नजर आ रहा है दिस इज अ टोन मार्क. हम इन चीजों को अब तफसील में लेके चलते हैं. पहली चीज थी इनिशियल्स. तो ये एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ इनिशियल्स आपको स्क्रीन पे है. मैं चाहूंगा कि आपके साथ ये प्रोनाउंस करूं 1 by 1. तो देखें, मेरे साथ पढ़िएगा. द फर्स्ट साउंड इज प प, इसे चाइनीज कहेंगे पुओ पुओ, फुओ फुओ, मुओ मुओ, फ फ. इसे चाइनीज फ भी कहते हैं, फो भी कह सकते हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल इंग्लिश साउंड्स की तरह है, इसे हम क्यों ना बी पी एम और एफ पढ़ लें. तो इसका जवाब ये है कि चाइनीज जब इन साउंड्स को वर्ड्स और सेंटेंसेस के अंदर यूज करेंगे तो फिर इसकी प्रोनंसिएशन जो है वही वाली ज्यादा मुनासिब आपको दिखाई देगी जिस तरह चाइनीज प्रोनाउंस करते हैं. सो द फर्स्ट साउंड पुओ, सेकेंड वन फुओ मुओ फुओ, द द. इसे आप अंग्रेजी के ड की तरह प्रोनाउंस ना करें यानी कि डॉक्टर एंड डोल, बल्कि उर्दू की दाल की तरह. लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसे दाल और ते के बीच मिले हैं. सो इसे द त थ त न न ल ल ग ग ख ख ह ह जी जी ची ची. ये पर्टिकुलर साउंड आपको कराची में चिंची के पीछे भी लिखा हुआ नजर आएगा. दिस इज ची साउंड, दिस इज नॉट द इंग्लिश क्यू साउंड. हम इसे क्या कहेंगे, ची जी ची सी सी, ज ज च च, श श. दोस्तों इन 3 साउंड्स को मैंने बहुत ही एग्जेजरेट करके पढ़ा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसे इस स्टेज पे इसी तरह एग्जेजरेटेड साउंड के साथ ही पढ़ें. ज ज च च, श श. चाइनीज नेटिव टीचर्स जब ये 3 साउंड्स पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि आप इन साउंड्स को यूं लें कि जैसे इन तीनों साउंड्स के आखिर में अंग्रेजी का र साउंड मौजूद है. ज च श. आखिरी लाइन पे आते हैं ज ज स स. ये इंग्लिश के साउंड की तरह है, सो सिंपल स
S, and this is the most challenging sound. इसे चाइनीज प्रोनाउंस करते हैं र। दोस्तों बी केयरफुल, ये इंग्लिश के आर की तरह और उर्दू के रे की तरह नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा चाइनीज जो है वो कहते हैं माय कंट्री नेम इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना आर प्रोनाउंस कर सकते तो वो ऑफ कोर्स दे वुड कॉल इट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश र साउंड, रादर इट इज र। अंग्रेजी में एक साउंड है ज, यानी कि विजन, और इसे अगर र के साथ मिला दें यू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग र र। एनीवे, जब हम इन्हें वर्ड्स और सेंटेंसेस में दोबारा कई मतलब रिकॉल करेंगे और प्रोनाउंस करेंगे वी विल गेट गुड एट दिस प्रोनाउंसिएशन। ये दो पर्टिकुलर साउंड मैंने अलग से लिखी हैं। अंग्रेजी के आपको वो वो और या की तरह दिखती हैं, एंड ऑफ कोर्स दे आर वो एंड या, लेकिन ये जरा डिस्टिंक्टिवली हम लेटर ऑन इन्हें ट्रीट करेंगे। यहां आपको बताता चलूं कि ये जो सेवन साउंड्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं ज, च, श, र, ज, स एंड स, इनके साथ भी जरा इम्तियाजी सुलूक का मामला किया जाएगा जब ये सेंटेंसेस के अंदर यूज होंगे। एनीवे फॉर राइट नाउ वी आर गुड विद आवर इनिशियल्स। नाउ अब हम बढ़ते हैं फाइनल्स की तरफ। फाइनल्स में ये की प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। आप अगर इस इन प्रोनाउंसिएशन में यू गेट गुड एट इट तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। इनमें जो पहला है अंग्रेजी के इंग्लिश के ए की तरह दिखता है, बट दिस इज अ पर्टिकुलर साउंड, वी विल प्रोनाउंस इट ऑलवेज इज आ आ आ ओ ओ ओ अ अ अ ई ई ई U, 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 and this one, U, 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 very good. अब आए दोस्तों हमारी जो पिछली सीरीज थी इसमें देखिए पहला प्लेयर था A, अब हम आ साउंड, आ वॉज द साउंड, ये अंग्रेजी के A की तरह दिखता है। ये जो आ साउंड है इसमें से मजीद कितनी साउंड निकलती हैं चले ये देखते हैं। द फर्स्ट वन इज आ, आए, आए, आओ, आओ, अन, अन, अंग, अंग, गुड। दूसरी सीरीज है अ की सीरीज, ये अंग्रेजी इंग्लिश की ई की तरह आपको दिखता है, बट दिस साउंड इज एक्चुअली अ। अ जो लोग इंग्लिश फोनोलॉजी जरा समझते हैं उन्हें अगर मैं बताता चलूं कि एक साउंड है आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स में जिसे डिक्शनरी में शो का नाम दिया जाता है, दैट इज द साउंड अ। अ A, A, an, 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 and the last one is ang, ang, ang. Do not make the mistake of pronouncing it as ing the way it is in English. No, no, no. This is ang, shang. आगे कई सारे words बनेंगे. O series में आएं. The first one is O, 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 ong, ong, ong. This sound is oo, oo, wa, 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 wo, 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 why, 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 we, we. So this is we, we, one, one, wang, wang. Good. E series pe aate hain. The first one is e. E, ya, ya, ye, 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 you, you, in, in, ing, ing, yen, 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 yang, yang, yang. Very good. दोस्तों अब देखते हैं कि हम अपने initials और finals को मिला के words बनाते हैं। Chinese pronunciation is quite easy. You just need to pay attention to these two things, initials and finals. हमारे third step में हम एक और चीज add करेंगे जिसे हम tones कहेंगे. For right now, we are good with initials plus final making a syllable. Or let's call it a word. दोस्तों screen पे देखें. These are Chinese words. मैंने Chinese text नहीं put की है. सिर्फ आपको pronunciation में help करूँगा. Bye, 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 my, my. Die.
Dai, dai. On the other side, be, be, pe, pe, me, de. Good. कुछ और examples देखते हैं. Pao, 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 mao, mao, dao, dao. On the other side, pho, pho, mou, mou, pho, pho, do, do. Good. कुछ और examples देखते हैं. Pan, 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 man, fun, dun. Bun, man, fun, dun. A few more examples. Bang, bang, pung, pung, mung, mung, fung, fung, dung, thang, nung. There is a mistake. The un is actually ang. Dung, dung. Bung, pung, mung, fung, dung, tung, nung. Dong, dong, thong, gong, chong, chong, chong. Very good. So we are done with our two topics, initials and finals. Our next topic is tone marks. ये करने के बाद हम English Chinese text पढ़ सकेंगे. So let's see how it looks. तीन बहुत ही commonly used words in our context. The first one is ba, chi, si, tan. Ba chi si tan, ka la chi, ka la chi, gong gong, gong gong. दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आपको जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो प्लस एक इनिशियल एक एडिशनल चीज आपको नजर आ रही है एंड दिस इज आवर टारगेट. दोस्तों आपको स्क्रीन पे हमारा आ साउंड नजर आ रहा है लेकिन उसके ऊपर आपको कुछ मार्क्स नजर आ रहे हैं. मैं आपको बताता चलूं कि ये मार्क्स असल में है क्या. दीज आर कॉल्ड टोन मार्क्स. ये टोन मार्क्स आप इस वक्त चार किस्म के समझ लें एंड कॉल देम फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन एंड फोर्थ टोन. फर्स्ट टोन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. सेकंड टोन ऊपर की तरफ गया हुआ है. इसे वैसे कहते भी हैं स्ट्रेट टोन, राइजिंग सॉरी फॉलिंग एंड देन राइजिंग. थर्ड टोन द सिंबल ऑफ थर्ड टोन एंड फोर्थ टोन ऊपर से नीचे की तरफ. आपको साउंड्स के ऊपर फाइनल साउंड्स के ऊपर इस तरह के मार्क्स नजर आएंगे. वहां पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन और फोर्थ टोन मेंशन हुए हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग चाइनीज प्रोनंसिएशन. यहां पे आपने बहुत एहतियात से प्रैक्टिस करनी है. दोस्तों टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ मोबाइल एप्लीकेशन भी बताऊंगा जो आपको इस सिलसिले में हेल्प करेंगी एंड आई वुड लाइक यू रियली स्पेंड सम टाइम प्रैक्टिसिंग दिस स्टफ. इससे पहले तो जो दो चीजें हमने की थी, हैविंग स्पेंड सम टाइम विद इंग्लिश स्टडीज यू आर गुड एट इट बट दिस थिंग इज न्यू. सो लेट्स प्रैक्टिस. टोन की वजह से, टोन मास की वजह से प्रोनंसिएशन पे फर्क पड़ेगा. लेट्स प्रैक्टिस द फर्स्ट टोन. दिस इज स्ट्रेट आ 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 आ. द गुड थिंग इज कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस एंड्रॉइड पे अवेलेबल हैं जिससे आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गाइड यू थ्रू. लेट्स प्रैक्टिस सेकंड साउंड. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ. गुड. लेट्स सी वन मोर. ई ई ई ई. एंड दोस्तों मैं मशवरा दूंगा आप लोगों को कि आप भी ये टोन प्रैक्टिस करते हुए ये मार्क्स अपने जहन में रखें एंड यूज जेस्टर्स. द फर्स्ट वन आ अ अ अ ई ई ई ई. गुड. ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ. गुड. अ अ अ
वेरी नाइस दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या चीजें अवेलेबल हैं मोबाइल्स पे कि जिसे यूज करते हुए आप प्रैक्टिस अपनी मैक्सिमम कर सकते हैं। दोस्तों, सम वेरी यूजफुल मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर यू पीपल, द फर्स्ट वन एवरीबॉडी मस्ट हैव इन देयर मोबाइल फोन इज दिस प्लेको मोबाइल डिक्शनरी। ये आप इंस्टॉल करें एंड यू आर वेरी गुड टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एंड गेट वट एवर यू नीड। द सेकेंड वन, इट इज अगेन सॉफ्टवेयर, इट इज अगेन एन एप बाय नेम ऑफ लर्न पिनिन। पिनिन प्रोनाउंसिएशन और टोन मास प्रैक्टिस के लिए दिस इज वेरी गुड थिंग। और जो अगली चीज मैं चाहूंगा कि आपके मोबाइल फोन में हो, ये है चाइनीज HSK1। ये भी एक एप्लीकेशन है, इसमें एक्चुअली 150 वर्ड्स गिवन है। आप हर एक को क्लिक करते हुए सेवरल टाइम्स उसकी लिसनिंग करें एंड गेट गुड एट योर चाइनीज प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, राइट नाउ लेट मी टेल यू, इन द बिगिनिंग डू नॉट रश टूवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग योर वोकैबुलरी, रादर स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इंप्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशन। आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर चाइनीज की ठीक हो जाए, लर्निंग चाइनीज वोकैबुलरी इज वेरी इजी। जो आप शुरू के अल्फाज सीखेंगे, उन्हीं अल्फाज को दोबारा मिलाते हुए कई सारे चाइनीज लफ्ज बनते जाएंगे। सो योर फर्स्ट टारगेट इज इंप्रूविंग चाइनीज प्रोनाउंसिएशन। एक और चीज जो आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी, वो ये है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर Audacity के नाम से। मैं चाहूंगा कि जो ऑडियो फाइल्स आप लोग अपने कंप्यूटर पे प्ले करें तो वो इस पर्टिकुलर फाइल के थ्रू प्ले करें। इसकी खूबी ये है कि इसमें आप कोई छोटा सा पार्ट सेलेक्ट करके उसे सेवरल टाइम सुन सकते हैं। ये देखें, इसमें ये जो दो पार्ट मैंने सर्कल किए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं। आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट अपने लिए सेलेक्ट करें और फिर टेप क्लिक करते हुए कई मरतबा सुने। दोस्तों, एक थ्योरी है, मैक्सिमाइज योर लिसनिंग टाइम। जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रादर देन लिसनिंग टू अ ह्यूज फाइल फॉर वंस, इट इज बेटर टू लिसन टू अ शॉर्ट फाइल सेवरल टाइम्स। तो आप अगर इस तरह करें, यू आर गोइंग टू गेट मार्वेलस रिजल्ट्स। दोस्तों, मैं आपको जरा रिव्यू देता चलूं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीजें कवर की। हमारा टारगेट था पेनिन, पेनिन के अंदर हमने इनिशियल्स किए, फाइनल्स किए, टोन मार्क्स किए, फिर मैंने आपको एंड्रॉइड एप्स के बारे में बताया जो आपकी चाइनीज लर्निंग में हेल्पफुल साबित होंगी, और उसके साथ ही मैंने आपको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया। दोस्तों, दिस इज इंपॉर्टेंट इन एवरी क्लास। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क छोड़ना चाहूंगा, होमवर्क को आप जरा पढ़ के बताएं क्या कहते हैं। गुड, जो ये, जो ये, जो ये, आप जरा बताएं कि इस पे कौन सी टोन मार्क्स लगी हुई है। गुड, ये वाली टोन मार्क है, वी कॉल इट द फोर्थ, द फॉलोइंग टोन। चलें, आपको मैं आपको होमवर्क दिखाऊं। जो मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई है मोबाइल की, प्लेको डिक्शनरी को यूज करते हुए मैं चाहूंगा कि आप ये वर्ड्स आई यू वी ही शी इट, स्कूल, बुक, मोबाइल, कंप्यूटर, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाटर, फ्रूट और एप्पल, ये अल्फाज आप इंग्लिश में टाइप करें और इनकी क्या प्रोनाउंसिएशन आपके सामने आती है वो आप अपनी कॉपी में लिख लें और चंद मरतबा प्रोनाउंस कर लें। दिस इज टाइम टू से जाय जियन, सी यू अगेन। आप इसे गुड बाय या अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज के मायने में भी इस्तेमाल कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।